हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एचटी मिश्रा पुखराई ब्लॉग्स में आपका ढेर सारा तेजस से वेलकम है फ्रेंड्स। और धूप बहुत ही आज अच्छी खासी, मतलब दो तीन दिन से धूप बहुत अच्छी खासी निकल रही है। अब तो धूप में बैठना, सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी अच्छी तेज वाली धूप होने लगी है, मुझे लगता है अगर ऐसे ही धूप निकलने लगी तो गर्मी जल्द ही आने वाली है। और ठंडी तो इतनी भयंकर पड़ी अब की बार, और गर्मी भी देखते हैं कैसी पड़ती है। और गर्मी तो काफ़ी अच्छी खासी रहती है ना, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी तो बर्दाश्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ बातें बतानी है, कुछ बातें करनी है, अपने दिल की बात करनी है, ठीक है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का कहना है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखते हैं कि मेरी वीडियो में कोई कमी होती है, कोई गलत करती हूँ, कोई गलत चीज़ें दिखाती हूँ, तो आप बताओ, ठीक है? मैं अपना घर का काम दिखा रही हूँ, मैं अपने घर की मतलब कैसे मैं घर को मेंटेन रखती हूँ, किस तरीके से क्या करती हूँ, क्या रेसिपी मतलब जो न्यू होती है मैं वो दिखाती हूँ, क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, कुछ गंदा काम कर रही हूँ, तो सामने वाले को बहुत शर्म आती है इसमें देखने में, तो उनकी नाक कट रही है देखने में। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं इसमें समझ में आता है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, देखने का जो इंसान का नज़रिया है वो अलग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही ख़राब तो लगता है, ठीक है, लेकिन ख़राब लगता है, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ उस चीज़ों को, नहीं मैं मतलब ध्यान में लगा ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रखती हूँ ऐसी बातें, मैं हटा देती हूँ। अगर मैं सुनूंगी तो मेरा माइंड ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। और ना सुनने की भी एक हद होती है, आप एक दिन सुनोगे, दो दिन सुनोगे, और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं भैया वीडियो सब कुछ मैं बंद कर दूंगी, बट लेकिन वीडियो बनाना कभी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो के थ्रू हमें काफ़ी लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, हमारे न्यू हमारे मतलब ऐसे रिश्ते बने हैं। तो मैं वीडियो बनाना कभी बंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें मैं गलत कर रही हूँ, मैं कुछ गलत दिखाती हूँ, गंदा दिखाती हूँ, शर्म की बात है, तो वो बात अलग थी कि हाँ नहीं मैं अच्छा करती हूँ, तब तो बात अलग थी। मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब जो जिसको हक है बोलने का कि तुम वीडियो नहीं बनाओ, वो हमारे सपोर्ट में है, तो फालतू में आप लोगों का जो कहना है नहीं बनाओ नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो प्लीज़ ये सब कहना छोड़ दो, ठीक है, फालतू की बातें करना छोड़ दो। मैं यहाँ पे मतलब जिसने कहा है, मुझे तो नाम मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, और मेरा माइंड सेट बता रही हूँ फ्रेंड्स, बर्दाश्त मैं तभी तक करती हूँ जब तक मेरी हद होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है सुनने की, लेकिन जब उसके पार हो जाता है तो मैं कंट्रोल के बाहर हो जाती हूँ, मैं क्या बोल जाऊँ फिर मुझे भी कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं गलत कभी करती नहीं हूँ, ना मैं किसी सामने वाले का कभी ध्यान करती हूँ कि हाँ ये ऐसा वो ऐसा। और इसमें मैं बता दूँ फिर, मैं कभी किसी की बातों को मतलब ध्यान में नहीं रखती हूँ, बस अपने काम में बिजी रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। और जो जो ये वीडियो वाला काम है, इसमें तो इतना बिजी लाइफ, इतनी बिजी लाइफ हो जाती है कि हमें अपना वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, फिर लोगों के भी वीडियो वॉच करना, उनका भी सपोर्ट करना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि दूसरों के बारे में हम कुछ सोचें, क्योंकि अपने से नहीं फुर्सत होती है। तो हमें लगता है हमें मतलब बिजी, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, और ऐसे फ्री रह के मैं अपना माइंड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, फ्री रह के यहाँ की बुराई वहाँ की बुराई इधर चुगली उधर चुगली, तो ये सब कुछ नहीं मैं करना चाहती हूँ, ना मैं करती हूँ, ये मेरा भगवान जानता होगा। और तभी फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी मतलब मैं किसी के बारे में ना गलत सोचती हूँ, ना गलत कभी कभी मैं माइंड में किसी की बात लाती नहीं हूँ, ठीक है? जब सुनते सुनते थोड़ा सा माइंड खराब हो जाता है, गुस्सा आने लगती है, तब मेरा मूड खराब होता है, वरना मैं ऐसे लोगों का कभी मतलब जिक्र या कभी उनकी याद, कभी ध्यान ऐसा कुछ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बिजी रहना चाहती हूँ, अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, ताकि हमें मतलब किसी की कोई वो ना रहे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, पता नहीं लोग मेरा खाना पहनना देखना मुझे मतलब जो अपने होते हैं ना, जो कहते हैं हाँ हम अपने हैं, हम अपने हैं, लेकिन वो खासकर अपने कभी नहीं होते, उनको ही ज़्यादातर मतलब आगे बढ़ने, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसको ही ज़्यादा जलन होती है कि अरे यार ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़, उसको नीचे गिराओ गिराओ गिराओ, है ना? तो उसकी जो अपने होते हैं उनको ही ज़्यादा ये होता है कि इसको नीचे गिराओ कैसे भी करके, ये इसके हाथ में कटोरा होना चाहिए, तो भीख मांगना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसा दिमाग लोग रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो का मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई उसके लिए सॉरी। हाँ, जो मैं मतलब बात बता रही हूँ, वीडियो
कि मैं बंद कर दूं और ये कर दूं वो कर दूं, तो प्लीज़ आप अपने माइंड से निकाल देना, मैं वीडियो बनाना कभी भी बंद नहीं करूंगी इसके लिए, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जहां जिस भी हद से गुजरना पड़े, लेकिन मैं वीडियो, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही हूं उसमें। सबसे मेन चीज़ है कि मैं कोई यहां पे गलत काम नहीं कर रही हूं, मैं अपने आप को अच्छे से दिखाती हूँ, अपना रेसिपी बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ, अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ वो दिखाती हूँ, मेरे अंदर ये हुनर है भैया, शॉर्ट बनाती हूँ तो मुझे गाने वाने आते हैं गाने, ठीक है, तो वो मैं गुनगुना देती हूँ, कौन सा कोई गलत नहीं कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से पूरे फुल कपड़े पहन के, ना तो कुछ मैं यहाँ दिखाती हूँ, ठीक है, कि आपको शर्म आती है कि हाँ ये तो ऐसे बैठी है वैसे बैठी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ये सब बातें छोड़ दो अपनी फ्रेंड्स, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुछ वीडियो बनाना गलत। अरे हम तो देखते हैं कि काफ़ी हमारे, मतलब हमसे भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यूट्यूब पे हैं, और लेकिन कायदे से बनाते हैं, और काफ़ी हमारी बहनें हैं, मतलब जो खूब 40-50 शायद एज है उनकी, मैंने उनके वीडियो भी देखे हैं, वो भी इस टाइम यूट्यूब पे आए हैं, तो कुछ गलत होता तो थोड़ा, हाँ गलत लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए गलत करते हैं लोग व्यूज़ पाने के लिए, लेकिन हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हमें मतलब इतना माइंड में है, हमारे इतनी बुद्धि इतनी अकल है हम में कि हमें किस तरीके से वीडियो बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए, इसमें किसी को बुरा लगने या किसी की नाक कटने वाली बात नहीं है। जिसको ज़्यादा बुरा लगता है भैया हमारे वीडियो मत देखो आप लोग, ठीक है, आपकी नाक कट रही तो वीडियो मत देखो, हमसे रिलेशन ही नहीं चलाओ, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि YouTube पे दिखती हो ये वो, तो मेरी बेइज्जती होती है, और तो हमसे भैया रिश्ता मत चलाइए जिसको बुरा लग रहा हो, ठीक है, यहाँ पे जिसको भी बुरा लग रहा हो, मैं अदरवाइज सबकी बात कर रही हूँ, या तो मेरे मायके पक्ष से हो उनको बुरा लगता है मैं YouTube पे हूँ, तो नो टेंशन छोड़ दो मुझे, या मेरी कोई ससुराल से है उनको भी बुरा लग रहा है तो नो टेंशन भैया छोड़ दो मुझे, लेकिन प्लीज़ ऐसी फालतू की बकवास मत करो यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में, दूसरों की मतलब इस तरीके से वो धज्जियाँ मत उड़ाओ, ठीक है, पहले उसको देखो कि वीडियो कैसा है, किस तरीके से बन रहा है, कैसे मैं बना रही हूँ, पूरा उसको उसका बायोडाटा आप एंड से जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है वीडियो बनाने की, आप पिछले से अगले वीडियो सारे हमारे चेक कर लीजिए, कहीं पर कुछ भी खराबी हो इसमें, कोई भी मतलब ऊट पटांग हरकतें हों, कोई भी गलत हो, हमें इस बात की, हमारे हस्बैंड हैं उनकी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है, और हमें इतनी बुद्धि है फ्रेंड्स कि हमें किस तरीके से वीडियो बनाने हैं, किस तरीके से वीडियो नहीं बनाने हैं, ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी, तो प्लीज़ अपने ये माइंड से ख्याल निकाल देना कि मैं आप लोगों के कहने से वीडियो बंद कर दूँगी। हाँ थोड़ा सा आज मैं माइंड फ्रेश करके बात कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने सीरियसली बात नहीं ली है इस बात को, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया है, 2-4 दिन हो गए मैं सुनते कि हाँ ऐसा बोला है, लेकिन मैंने इग्नोर करती हूँ, तो चलो फिर, तो बस मुझे अपडेट देनी थी ये कि प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा ना बोले, और वीडियो बनाना हमारा बंद नहीं होगा, तो आप ये छोड़ दें। हाँ अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ये बताओ कि हाँ इसमें तुम्हारा मतलब ये वीडियो गलत है, यहाँ पे तुम ऐसा दिखाती हो वैसा दिखाती हो, शर्म नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा वीडियो डेली देखते हैं, ठीक है, डेली देखते हैं मेरा वीडियो, तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, और फिर जब मुझे सच बता दें फ्रेंड्स, काफ़ी जब हद पार हो जाती है तभी मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं क्या बोल दूँ कुछ मुझे भी नहीं पता है, और अभी मैं प्यार से समझा रही हूँ, जिसको समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा ये बात ना करें, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सॉरी बोलती हूँ जो मेरी ये कथा, क्योंकि मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि आप लोग को भी बताना था कि मेरा वीडियो कभी गलत हुआ है या मैं गलत कोई डालती हूँ या उटपटांग हरकतें डालती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों के साथ मैंने जो ये बात है वो शेयर की थी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इग्नोर करना मेरी बात को, ठीक है फ्रेंड्स, इग्नोर मत करना, मतलब कमेंट सेक्शन में हमें राय देना अपनी कि कैसा मैं कैसे किस तरीके से वीडियो डालती हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज ये हमारी जो बातें हैं तो उसी में ये वीडियो मैंने आप अपनी बातों से ये वीडियो इतना लेंथ ही कर दिया है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।